ये जी सोगो का रिचार्जेबल मिनी फ़ैन है, पोर्टेबल हैंड फ़ैन लिखा हुआ है इसके ऊपर, माइक्रो यूएसबी फॉर चार्जिंग। माइक्रो यूएसबी जिस तरह से आपका स्टैंडर्ड फ़ोन कनेक्टर होते थे पहले, सी टाइप कनेक्टर से पहले, तो वही कहलाता है हमारे पास माइक्रो यूएसबी। सो इसके साथ जो है, यानी कि आप किसी भी स्टैंडर्ड फ़ोन चार्जर के साथ जो है वो उसको रिचार्ज कर सकते हैं। और देखने में जी ये कुछ इस किस्म का होना चाहिए, इसको खोल के देखते हैं। सो पैकेज के अंदर से जो है ना ये चीज़ें बरामद हुई हैं। एक इसके अंदर जो है ये जैसे डाटा केबल होती है हमारे पास, उस किस्म की डाटा केबल है। इसके साथ अडाप्टर जो है वो मौजूद नहीं है, ये आपको बीच में मिलेगा। इसके साथ जो है ये सेल उन्होंने बाहर निकाला हुआ है मेरी तरह से, ताकि वो जो है वो ख़राब ना हो। ये हमारे पास इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और ये हमारे पास पोर्टेबल फ़ैन है। डू नॉट पुट योर फिंगर इन टू द प्रोटेक्टिव स्क्रीनिंग टू अवॉइड बींग डैमेज एंड ब्रेकिंग डाउन द मशीन। ये हमारे पास कुछ इस किस्म का है। ये सपोजली उनका सोगो का ओरिजिनल होने का जो है वो चार्ज वो होलोग्राम है बना हुआ। इसके अंदर छोटे छोटे चार प्लास्टिक के ब्लेड्स हैं फ़ैन के अंदर, और इसका मॉडल यहाँ पर लिखा हुआ है JPN401। ये हमारे पास इंडिकेटर है, डेफिनेटली ये हमारे पास जो है चार्जिंग पोर्ट इस तरफ है, और डेफिनेटली जिस वक्त चार्ज हो रहा होगा तो ये चार्ज का जो है वो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। बाकी अपेरेंटली इसकी थ्री स्पीड्स हैं, थ्री स्पीड 1, 2, 3 के साथ जो है वो चलेगा। यही वाला हमारे पास जो बटन है इसको ऑफ करने के लिए और ऑन करके तीनों स्पीड्स के अंदर में से कोई एक सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक ये हमारे पास इसका कंपार्टमेंट है, इसके अंदर जो है वो सेल डलना चाहिए, और सेल के ऊपर भी उन्होंने अपना लोगो बना के छोड़ा हुआ है सोगो का। इसको हम इसके अंदर डालते हैं। और एक दफ़ा इसको दबाने से ही हमारे पास स्पीड जो है वो 1 के अंदर आ गया है। सिमिलरली दूसरी दफ़ा करने से दूसरी स्पीड और 3 जो है ये मैक्सिमम स्पीड है। जैसे अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो पंखे की जो हवा है काफ़ी अच्छी है, एक हैंडी फ़ैन के हिसाब से और एक बंदे के हिसाब से। तो अगर आप कहीं मूव कर रहे हो या ज़्यादा गर्मी हो, या आपने अपने मुंह के ऊपर लगाया हुआ मास्क जो है वो जल्दी सुखाना हो, तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसको आप ऑन द गो भी लेकर फिर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है, हैंडी सा है, ये बैग के अंदर गाड़ी के अंदर भी आसानी रखा जा सकता है, और इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। साथ में इसका इन्होंने ये छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया हुआ है, जिसके अंदर सारी चीज़ें उन्होंने बताई होंगी। लेकिन अपेरेंटली इसका इस्तेमाल इतना सिंपल है कि कोई ख़ास जो है वो मेरे ख्याल में पढ़ने की ज़रूरत बहरहाल नहीं है। लेकिन बेहतर होता है फिर भी कि आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो कुछ भी लिखा हुआ है एटलीस्ट उसको एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो कि जो आप अप्लायंस यूज़ करने जा रहे हैं वो आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करना बेहतर है, और किस तरह से कौन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत है। यानी कि सिंपल सी बात है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ये उसकी रेटिंग लिखी हुई हैं। साहब उन्होंने बताया हुआ कि तकरीबन 4 से 6 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाएगा, 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करता है, और 15 mAh की लिथियम बैटरी है इसके अंदर 3.7 वोल्ट की। ड्यूरेशन 2 आवर्स है, अगर हाई स्पीड पर चलाएंगे तो 2 घंटे चलेगा फुल चार्ज होने के बाद, और अगर आप लो स्पीड पर चलाएंगे तो ये 7 आवर्स तक चल सकता है। दीज आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स। इसको मैंने अभी चला के नहीं देखा, इसको मैंने खोला है, लेकिन मे भी हो सकता है कि करें, क्योंकि सोगो के जो फ़ैन है रिचार्जेबल वो मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और वो अपेरेंटली काफ़ी टाइम जो है वो निकाल गया था, और अच्छी प्रोडक्ट थी उसके हिसाब से। सो दिस इज़ अ हैंडी फ़ैन। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान लेते हैं जो कि अगर रिचार्जेबल बैटरीज के साथ काम करती है, तो इट इज़ अ मस्ट कि आप उसको इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा फुली चार्ज कर लें, जो भी उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसके हिसाब से। क्योंकि उसका एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो बैटरी है वो निस्बतन ज़्यादा टाइम निकाल जाएगी। अगर आप उसको डायरेक्टली यूज़ करना शुरू कर देंगे विदाउट चार्जिंग इट प्रॉपरली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उससे उसकी जो लाइफ है वो निस्बतन कम हो जाती है।